तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में क्लास टेंथ का काव्य खंड देखने वाले हैं। यह उन विद्यार्थियों के लिए है जो संस्कृत पढ़ते हैं। तो यह इस काव्य खंड में सेकंड लेसन हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त और मस्त है और आपके लिए तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ देखिए रसखान, ये रसखान का मतलब समझते हैं, किसी चीज में खुशी ढूंढ लेना, रस ढूंढ लेना, रसखान। और ये सबसे ज्यादा प्रेम के बारे में लिखे हैं। प्रेम क्या है? प्रेम, मोहब्बत, प्यार, जो भी आप समझ लीजिए उसके बारे में लिखते हैं। आप बताइए कि अगर एक प्रेम का बात होता है और राधा रानी का नाम नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। राधा और कृष्ण का जिक्र होता ही है। तो बाबू ये राधा और कृष्ण के फैन थे, आजकल के जमाने में फैन समझिए, या फिर राधा और कृष्ण के भक्ति में ये खो चुके थे, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग को जाना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इनके जीवनी के बारे में जान लें। तो इनका जीवनी कहीं पूर्ण रूप से व्याख्या अच्छा से नहीं किया गया, इनके जीवनी के बारे में कुछ खास पता नहीं लगता है। कोई इनको कहता है कि जैसे 1448 में जन्म हुआ, कोई बोलता है 1453 ऐसे हुआ है, इनकी मृत्यु बोला जाता है 1518, या फिर कोई बोलता है 1528, इस तरह से कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो उस पर हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ देखिए इनके जिंदगी के बारे में थोड़ा सा साक्ष्य मिला है कुछ पढ़ने से। इनके द्वारा एक लिखा गया ग्रंथ था प्रेम वाटिका, आगे ना प्रेम के बारे में ही लिखे हैं रस, क्योंकि ये समझते हैं कि प्रेम में ही रस है, ठीक है। तो प्रेम वाटिका 1610 में जब लिखे तो उनके जीवन का संकेत मिलता है कि हाँ भाई ये कहाँ से थे, कैसे थे। तो कहाँ से थे? तो दिल्ली के पठान वंश से थे। दिल्ली में उस समय शासन पठानों का था, और उस समय मुस्लिम लोगों में, ये मुस्लिम थे, मुस्लिम लोगों में पठान वंश के थे, ठीक है। इनका रचना काल जहांगीर की रचना काल है, लेकिन बाबू ये पठान वंश के थे, लेकिन रचना कब किए, प्रेम के बारे में कब लिखे, रचनाएं अपनी कब दी, उस समय शासन चल रहा था जहांगीर का, यानी पठान वंश खत्म हो चुका था, मतलब दिल्ली से पठान वंश का खात्मा हो चुका था। और जब दिल्ली में मुगलों का आधिपत्य हुआ तो पठान वंश समाप्त हो गया था। यहाँ देखिए दिल्ली से भाग करके वो डायरेक्ट चले गए ब्रजभूमि, भगवान कृष्ण की नगरी में चले गए, ठीक है। और वहाँ आ करके और कृष्ण की भक्ति में क्या हो गए, तल्लीन, यानी तब्दील हो गए, एक तरह से पूरा डूब गए उनके भक्ति में, ठीक है। अब देखिए वैष्णव धर्म के संस्कार, इनमें पता है वैष्णव धर्म, देखो हिंदू धर्म होता है उस तरह वैष्णव धर्म के संस्कार, ये भले ही मुस्लिम थे लेकिन वैष्णव धर्म का इनके पास संस्कार था, ठीक है। रसिक प्रेमी भी रहे हैं, एक तरह से रसिक प्रेमी, यानी कि इनको एक लड़की से मोहब्बत भी हुई थी, वो लड़की एक बनिए जात की लड़की से इनको मोहब्बत हुई थी, तो रसिक प्रेमी भी थे ये, और बाद में ये भक्ति के प्रेमी बन गए, ठीक है, सब कुछ छोड़ करके। यहाँ देखिए अब इनके गुरुजी, कई बार पूछेगा यहाँ पे गोस्वामी विट्ठल नाथ पूछेगा इनके गुरु का क्या नाम था, रस खान के गुरु का क्या नाम था, तो रस खान के गुरु का नाम विट्ठल दास था, यानी विट्ठल नाथ था। यहाँ पे देख लिए दासनाथ गोस्वामी यहाँ पे। अब इन्होंने क्या थी, पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, इनको बोला कि तुमको मोक्ष का मार्ग कैसे मिलेगा, रस खान से बोले कि तुम भक्ति में डूब जाओ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा राजपाट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अपने नाम को अगर आगे तक जाना है, अपने नाम को, अपने दुखों को सबको बताना है, तो तुम्हें बेस्ट करना पड़ेगा। अकेले कितने लोगों को मुंह से बताओगे, जब बहुत बड़े बन जाओगे ना तो लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, ठीक है, सर्च करेंगे कि आप क्या हैं, कैसे हैं, आपकी जीवनी के बारे में, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा दो ग्रंथ है, एक है प्रेम वाटिका, ठीक है, कौन सा बाबू, प्रेम वाटिका, यानी कि प्रेम निरूपण, इसमें प्रेम के बारे में मतलब वार्तालाप किया गया है, और किसका प्रेम, राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में। और दूसरा है सुजान रस, रस खान ने सुजान रस लिखा है, ठीक है, इसमें सिर्फ कृष्ण की भक्ति की, कितने बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के, ठीक है, भगवान कृष्ण के भक्त राधा रानी, और राधा रानी दोनों के भक्त थे रस खान, ठीक है। यहाँ देखिएगा इनके दो रचना याद रखिएगा। अब देखिए कृष्ण की लीला को सवैयों में बताया है, अब इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो एक तरह से कविता नहीं सवैया है, तो कृष्ण की लीला को सवैयों में बताया गया है। सवैया छंद से सिद्ध होता है, और छोटे छोटे छंदों से ये क्या होता है, सिद्ध होता है। इसी प्रकार देख करके भरतेंदु हरिश्चंद्र, इनको कभी कभी हिंदी के पिता भी कहा जाता है, भरतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए भरतेंदु हरिश्चंद्र बोले हैं कि ये तो मुसलमान है लेकिन हिंदी में तो फेमस होते जा रहा है, ठीक है, और ये भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त निकला, तो वो पता है क्या बोले हैं, देखो यहाँ पे, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारी है, ठीक है, ये पूछेगा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारी है, ये किसने कहा है रस खान के बारे में, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इनके दो है,
दोहे और सोटे, राधा और कृष्ण के प्रेम का जिक्र इनके दोहे में है और सोरठे में है। प्रेम के बारे में जिक्र है, इसमें प्रेम के बारे में नहीं है, इसमें सिर्फ बताया गया राधा और कृष्ण के वहाँ जिंदगी के बारे में, कैसे वो लोग कृष्ण भगवान मन मोह लेते थे इसके बारे में। इसीलिए ये सवैया है, कृष्ण और उनके ब्रज पर जीवन ने उछावर किए, ये ब्रज में जा करके, ठीक है, वृंदावन जा करके और वहाँ अपना जिंदगी पूरा बिता दिए हैं। कौन? रस खान। ये उसी के सवैये के बारे में जानना है हमको, उनके प्रेम के बारे में इसमें नहीं जानना है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो बिना देर किए हम लोग सवैये की तरफ चलते हैं। इस प्रेम के भव नगरी में कितने आशिक मारे गए, शुरू किया राधा कृष्ण ने और वो भी इसमें हारे गए। और यह वीडियो क्लास 10th का है, जो लोग संस्कृत लिए उन लोगों के लिए, जो बच्चे संस्कृत लिए उन लोगों के लिए है। काव्यखंड है, काव्यखंड का सेकंड है, यानी सेकंड लेसन है, बहुत ही शानदार है। प्रेम आयनी श्री राधिके, यानी कि यहाँ राधा और कृष्ण के बारे में जिक्र किया गया है। जब भी प्रेम का एक उदाहरण दिया जाता है तो उसमें राधा और कृष्ण का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे प्रेम आयनी श्री राधिके, इसी के बारे में जानना है। एक तरह से बात करें, आयनी यहाँ जो लिखा है, आयनी राधिका का मतलब तो राधा से आप स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए आयनी का मतलब होता है खजाना। एक तरह से बात करें तो खजाना जो ये प्रेम का खजाना राधिका है, यानी कि इनके पास प्रेम का खजाना है। यहाँ समझिए, अब इस पूरे पूरे के पूरे ये पार्ट को समझिए। प्रेम आयनी श्री राधिके प्रेम वरन नंद नंद, ये दो बार नंद नंद लिखा है, दोनों में फर्क है। ये नंद का मतलब होता है नंद, और ये होता है नंद माने लाल, नहीं मेरा नंद है, मेरा नंद लाला है, ठीक है। तो नंद के नंद जी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनके क्या बोले, नंद के नंद जी क्या है, प्रेम के एक तरह से वर्ण है। वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग है, और प्रेम का रंग कौन है, भगवान कृष्ण है। तो प्रेम का खजाना कौन है, राधिका है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रेम का इनमें से कौन, प्रेम जैसे ऐसे बात किया जाएगा, राधा और कृष्ण में प्रेम का खजाना कौन है, तो राधा रानी है। का वर्ण कौन है, तो वर्ण कौन है, नंद रानी भगवान कृष्ण है। यहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, यानी कि प्रेम वाटिका, यानी कि प्रेम रूपी बगीचा, वाटिका माने होता है बगीचा, प्रेम रूपी बगीचा के मालिन और मालिन कौन है, यहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा है। ये दोनों क्या है, जिस तरह से माली और मालिन क्या करता है, बगीचे की रखवाली करता है, उसी तरह हमारे दिल में प्रेम उत्पन्न करने का काम, यानी रखवाली किसी के अंदर प्रेम उत्पन्न कराए, तो उनमें दोनों प्रेमिका, यानी कि किसका वास, किसका सहयोग होता है, भगवान कृष्ण और राधा का। तो वही कह रहा है, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, यानी कि प्रेम वाटिका नहीं, प्रेम रूपी बगीचा के दो ही माली मालिन है, ठीक है, जो एग्जाम्पल दिया जाता है राधा और कृष्ण। अब देखिए यहाँ पे रस खान जी क्या कह रहे हैं, ये जो मुस्लिम है कवि, लेकिन आखिरकार ये भगवान कृष्ण के स्वरूप को देख करके, ठीक है, उनके बाल लीलाओं को समझ करके उनके तरफ मोहित हो गए और अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। यहाँ देखिएगा वो क्या कह रहे हैं, मोहन छवि, मोहन मतलब मन को मोह लेने वाला उनमें छवि है। रस खान जी कह रहे हैं, मोहन छवि लाखी, यानी कि जब रस खान मोहन छवि को लख लिए, यानी चख लिए हैं, ठीक है, मोहन के रूपों को चख लिए हैं, अब दृग अपने नाही, उस हिसाब से अब दृग अपने नाही, अब उनका आँख यानी उनका नयन ही उनके नहीं हो पा रहा है, बिना उनके देखे, उनको बिना देखे क्या हो रहा है, अब उनका नयन ही बिना देखे उनका मन नहीं मान रहा है। ऊँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहि, जिस तरह धनुष ऐसे जब खींचा जाता है तो सर से निकल जाता है, वैसे ही इनके हर बार दिमाग में एकाएक भगवान कृष्ण का ध्यान आता है और फिर ध्यान हट जाता है। कोई भी काम कर रहे होते हैं, एकाएक भगवान कृष्ण की पूरी छाया इनके दिमाग में आने लगती है और फिर वहाँ से सर से हट जाती है। किस प्रकार, जिस प्रकार धनुष ऐसे खींचने पर छोड़ा जाता है तो सर से धनुष का तीर जो होता है निकल जाता है, उसी प्रकार। यहाँ देखिए, जो मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, यहाँ समझिए, जो तुम मेरे मन को लेके चले गए हो, यानी कि जो चित चोर, चित माने हृदय को चुरा लिए हो, ठीक है, आपसे बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव में, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि चित चोर किसे कहा गया है, रट लीजिए, ये पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा। चित चोर कहा गया है भगवान कृष्ण को, जो आपके हृदय को चुरा लेते हैं, यानी कि भगवान कृष्ण इतने सुंदर थे कि जब मनोभावना एक तरह से मन को मोह लेते थे, मनमोहक थे, ठीक है, जब कोई उनको देखता था ना तो बस उन्हीं के तरफ खींचा चला जाता था इतने। और छोटे बच्चे देखना भगवान कृष्ण के रूप माने जाते हैं, आप हमेशा देखेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छोटे बच्चे को भगवान कृष्ण
का रूप दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो सभी के मन को मोह के रखते हैं। एक छोटा बच्चा अगर खेल रहा होता है उसको देखिएगा, उससे दुश्मनी और दोस्ती कुछ नहीं होता है, मतलब एकाएक उधर खींचे चले जाइएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे मन को ले के चले गए, मेरे चित्त को चुरा लिए, कौन? नंद के नंद यानी भगवान कृष्ण। अब देखिए, अब बेमन मैं क्या करूँ, परी फेर में फंस। अब कह रहा है कि जब आप भगवान कृष्ण हमारे मन को चुरा लिए हैं, तो अब बिना मन के हम क्या करेंगे, बड़ा फेर में पड़ गए हैं, ठीक है। कौन कह रहा है? तो यहाँ रस खान जी कह रहे हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को देखे थे। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने साक्षात उनको दर्शन दिया था, ठीक है। अब देखिए, प्रीतम नंद किशोर यानी प्रिय नंद किशोर, जा दिन ते नैनन ही लगी हो। यहाँ समझिएगा, जिस दिन से तुमसे नैन लग गया है, नैन लगना यानी आंखों आंखों में एक्शन हो गया है, तुम्हारे साथ एक कनेक्शन हो गया है, ठीक है, उस दिन से, ठीक है, मतलब कहीं जी नहीं लग रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है। मन पावन चित्तौर यानी कि मेरे पवित्र मन को आपने चुरा लिया है, पलक ओट नहीं करी सको, यानी कि अब आप अपने आंखों को आपके चेहरे से पलक थोड़ा देर के लिए भी नहीं हटा सकता। जी करता है बस आपको देखते रहूं, आप में ही पूरी दुनिया नजर आती है, ठीक है। तो यही बात है, ये पहले जो कवि का जो भी यहाँ साक्ष्य दिया गया है, ठीक है, इसमें इन्होंने कवि ने ये समझा है कि किस तरह से भगवान कृष्ण इनको कोई भी देखता था तो कैसे उनका मन को मोह लेते थे, ठीक है, उनके तरफ खींचे चले जाते थे। और सबसे पहला काम, देखिए, रस खान एक मुस्लिम थे, लेकिन ये कृष्ण को देख करके इतना मोहित हो गए, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है, कि क्यों मोहित हो गए। बचपन से ही, जब कृष्ण छोटे थे उस समय से लेकर के तो राधा रानी तक, ठीक है, क्योंकि ये राधा रानी के बात कह रहे, उस समय तक ये मोहित ही रहे। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि यहाँ पे माली और मालिन किसे कहा गया है, तो राधा और कृष्ण को कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां देखते हैं सेकेंड नंबर, ठीक है, करिल के कुंजन ऊपर वारो। करिल का मतलब होता है कांटा होता है, यानी करिल के ऊपर, करिल के कुंजन ऊपर वारो, यानी कि अगर कांट के ऊपर भी ये क्या करते हैं, अगर ये सो जाए तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर क्यों कांट के ऊपर भी ये चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान के भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं, ठीक है, कि इनको कुछ पता नहीं चलता है, भगवान में इतना खो जाते हैं। यहाँ देखिए, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डालो। यहाँ ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि भगवान कृष्ण की अगर वो हमको लाठी मिल जाए जिसका उपयोग करते थे, वो कमल मिल जाए, ठीक है, तो हम तीनों लोगों के सुख को त्याग देंगे। यानी कि यहाँ पे रस खान जी कह रहे हैं कि तिहुपुर यानी तीनों लोगों के क्या करेंगे, ताजी डालो यानी कि उसको त्याग देंगे। कब? जब वो लाठी मिल जाए जिससे भगवान कृष्ण उसका उपयोग मिलाते गाय को चराने में, और वो कंबल मिल जाए। यहाँ देखिए, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई विखारो। यानी कि अगर जिस तरह नंद की गाय को चराने का हमको अवसर मिल जाए, एक मौका मिल जाए, तो हम पूरे दुनिया के खुशी को, आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख को त्याग कर देंगे। इतने डूब चुके हैं रस खान उनके प्यार में। यहाँ देखिए, रस खानी कबो इन आँखिन सो, यानी कि रस खान कह रहे हैं कि कभी इन आँखों आँखिन सो, इन आँखों को किस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त करना है, देखिएगा, ब्रज के वन बाग तहार निहारो। अगर ब्रज के बगीचे को देखने को मिला, इनके आँखों को अगर ब्रज के वन को देखने का सौभाग्य मिला, तो ये बहुत अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। वही बात है कि रस खानी कबो इन आँखिन सो, यानी कि रस खान को कभी इन आँखों को ब्रज का क्या है ना, ब्रज का बनबाग यानी बगीचा निहारना मतलब होता है देखना, देखने का मौका मिला, तो ये अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझेंगे। कोटिक रौ कल धौत के धाम, यानी कि हम उन भगवान इंद्र के, इंद्र रूपी जो भी यहाँ जगह था, इंद्र जहाँ वास करते हैं, उस सब धाम को भी त्याग देंगे। करिल के कुंजन ऊपर वारो, कांट के ऊपर जो हम अपना पूरा जान निछावर कर देंगे उस पर रह लेंगे, लेकिन एक बार हमको व्रज के वन बाग को देखने का मौका मिल गया तो जिंदगी में हम सब कुछ त्याग देंगे, पूरा सुख को त्याग देंगे। यहाँ देखिए लिखा है ना कि तिहुपुरन तीनों लोगों के सुख को त्याग देंगे, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये भी तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया, तो इससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, यानी ऑब्जेक्टिव में कैसे रह सकता है, आपसे पूछा जाए कि कौन बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन से कवि
क्या बोलते हैं, राधा और रानी के सबसे बड़े भक्त थे, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि रस खान थे। कौन तीनों लोगों को त्यागने की बात करता है, तो रस खान थे, ठीक है। यहाँ पे चित्तचोर किसे कहा जाया, तो भगवान कृष्ण कहा गया है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद से एक और, यहाँ इस लेसन में माली और मालिन किसे कहा गया है, तो माली और मालिन, माली कहा गया भगवान कृष्ण को और मालिन कहा गया है यानी राधा रानी को। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।